प्रदेश हाईकोर्ट की ओर से यूजी की परीक्षाओं पर रोक के बाद प्रदेश सरकार ने कहा कि फिलहाल परीक्षाएं चलती रहेंगी। शिक्षा मंत्री ने ये जानकारी देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इन परीक्षाओं पर कोई स्टे नहीं लगाया है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेशों की जानकारी सुबह 10 बजे के बाद मिली, तब पेपर शुरू हो गया था। उन्होंने कहा कि जल्द इस मसले पर याचिका दायर की जाएगी। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, जिसके बाद हाईकोर्ट कुछ फैसला लेगा। इसी तरह का जो मामला है देश के सर्वोच्च न्यायालय में भी चला है और सर्वोच्च न्यायालय ने किसी तरह का स्टे नहीं लगाया है और यूजीसी ने जो अपना एफिडेविट दिया है उसमें उन्होंने निश्चित रूप से कह दिया था कि यूजीसी के गाइडलाइन के अनुसार परीक्षाएं आपको करनी चाहिए और हिमाचल प्रदेश सरकार ने और विश्वविद्यालय ने इस बात के लिए तैयारी बहुत दिनों पहले कर रखी थी और आज प्रातःकाल 9 बजे बच्चों के पेपर भी प्रारंभ हो गए और उसके बाद ये कि ये जो है जो आदेश की जो जानकारी हमको प्रातःकाल 10 बजे के बाद हम मिली तब तक बच्चों का पेपर भी प्रारंभ हो गया था और इस सब पर अभी हम कानूनी सलाह भी ले रहे हैं और SLP भी कर रहे हैं। उज्जवल हिमाचल के लिए शिमला से ब्यूरो रिपोर्ट।